भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के संपर्क विभाग के चिकित्सक द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज जबकि विश्व इस महामारी से कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है और उसी समय एक और विपदा हमारे देश में अभी आते आते रही है। हम पहले वाली कोरोना जैसी बीमारी जिस विश्व ने पहले भी देखी है उससे भी हम बाहर निकल के आए हैं और दूसरी जो बीमारी है जो चुनिया बीती है उससे भी निकल गए हैं। कोरोना की बीमारी वायरस की बीमारी थी लेकिन एक विचारधारा की बीमारी जो साम्यवाद के नाम से जानी जाती है करीबन 100 वर्षों से विश्व ने देखी है। 100 वर्षों में शुरुआत से लेकर उसका अंत महामारी पहुंचने वाली है। अब साम्यवाद देश विश्व के कुछ हिस्सों में ही रह गया है लेकिन समय समय पर अभी भी वो अपना प्रदर्शन करता रहता है। एक हमारी सभ्यता है जो भारतीय सभ्यता वेदांत सभ्यता जो कि वसुधैव कुटुंबकम के आधारित है विश्व बंधुत्व पे आधारित है तो हजारों वर्षों से प्रफुल्लित हो रही है। तो ऐसी ही दो विचारधाराओं का बड़ा विरोधाभास है। इस विरोधाभास के बीच में जो साम्यवाद का है उसका जो इतिहास रहा है हिंसात्मक रहा है उस हिंसात्मक इतिहास के बारे में आज हम लोग इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हैं। हमारी विचार गोष्ठी में बहुत सारे स्वयंसेवक बंधु यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। कुछ प्रमुख लोग हैं जिनका परिचय मैं करा देता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर दीपक शुक्ला जी हैं। डॉक्टर दीपक शुक्ला दिल्ली में जे जे हॉस्पिटल का जो ASRI का हॉस्पिटल है उसमें CEO के पद पर कार्यरत हैं। आपने उनको क्षेत्र में जयपुर से MBBS किया उसके बाद में और उसके बाद में आप जयपुर में 1975 से लेकर 5 वर्ष तक महानगर प्रचारक रहे। अन्य बंधु हमारे बीच में डॉक्टर रंजन वधवा जी उपस्थित हैं। आप चिकित्सक हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर एडिशनल मेडिकल स्टूडेंट के पद पर कार्यरत हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ए के दीवान हैं। आप ऑनको सर्जन हैं राजीव गांधी कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर पवन जी हैं। आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। डॉक्टर राहुल जी हैं। आप हेमाटोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस गुड़गांव के अंदर। डॉक्टर अक्षय धारीवाल जी हैं। आप नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राकेश जी हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अजय जी हैं
आप गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में डायरेक्टर बीएल कपूर हॉस्पिटल के में कार्यरत हैं। और भी बहुत सारे स्वयंसेवक बंधु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। समय अभाव के कारण सबका परिचय कराना संभव नहीं होगा। अब मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला जी से आग्रह करता हूं कि वो कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें और मुख्य वक्ता का परिचय कराएं। डॉक्टर दीपक शुक्ला। नमस्कार, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस विषय की प्रस्तावना रखने के लिए मुझे आग्रह दिया गया है। एक समसामयिक विषय है। प्रस्तावना के अंदर दो ऐसे बिंदु हैं, यह चिकित्सक समूह की गोष्ठी है और इस चिकित्सक समूह की गोष्ठी के अंदर कभी कभी इस प्रकार का विचार हो सकता है कि साम्यवाद जैसे विचार के ऊपर विचार विमर्श करने की आवश्यकता हमारे को कितनी है। तो हम सब ये जानते हैं कि सभी प्रकार के जीवन के पक्ष, जिसमें मेडिकल फील्ड भी होता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की राजनैतिक विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। कार्य के निर्णय, कार्य के विषय के निर्णय और जो उसका वातावरण होता है, और उस वो सब राजनैतिक भिन्न भिन्न विचारधारा से प्रभावित होता है। दूसरा एक जो विषय है वो विषय यह है कि साधारणतः चिकित्सक वर्ग को इस प्रकार के विषयों के ऊपर बात करने का अवसर कम प्राप्त होता है, और इसलिए ये एक ऐसा विषय है जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है। विशेष रूप से स्वतंत्र भारत में स्वाधीनता के पश्चात जो भारत का एक नया विचार और हमारे को अपना देश कैसे बनाना है, इसके विषय में जो प्रयास हुए, उसमें कुछ लोगों ने एक इस प्रकार का प्रयास किया कि भारत के अंदर समाजवादी या साम्यवादी इस प्रकार के विचारों वाली सरकार होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि साम्यवाद का जो उदय है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर वर्ग प्रतिस्पर्धा या वर्ग हिंसा यह उसका एक आवश्यक अंग है। डॉक्टर दीपक जी, अपना वीडियो ऑन करेंगे जरा? वीडियो मैंने ऑन कर रखा है, मेरा वीडियो ऑन है। जी जी, आपके यहां से शायद कुछ वीडियो ऑन कर दें। तो इस विषय के जो एक मूल स्रोत है वो कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा है उसके ऊपर आधारित यह वर्ग संघर्ष की विचारधारा है। अब इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्ल मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा है, इसके कारण से अपने जीवन काल में भी कार्ल मार्क्स को संघर्ष करना पड़ा, और उनको जर्मनी से, जहां उनका जन्म हुआ था प्रशा में, उसके बाद फ्रांस से और बेल्जियम से निकाला गया, और अंत के अंदर वो इंग्लैंड के अंदर जीवन पर्यंत रहे और वहीं पे उनका निधन हुआ। उनके मृत्यु के पश्चात दो विशेष ऐतिहासिक राज्य क्रांतियां हुई। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई जो रूस के अंदर हुई, और लेनिन उसके सूत्रधार थे, और दूसरे जो एक क्रांति है वो 1945 में चीन के अंदर हुई, माओ त्से तुंग के जो एक नेतृत्व के अंदर ये क्रांति हुई। और इन दोनों क्रांतियों के आधार जो है वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और उनके द्वारा सुझाई गई अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था को बताया गया। अब ऐसा होने के बाद भी इन में जो एक संघर्ष की स्थिति रही, तो सारे विश्व ने ये देखा के जो बेसिक सिद्धांत है साम्यवादी विचारधारा का, उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हर एक समाज के अंदर जो शासन करने वाला वर्ग होता है वो बुर्जुआ, जिसको कहा बोर्गोइस, यानी जिसके हाथ में सारे उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण होता है, नियंत्रण होता है, और वो जिनसे काम लेते हैं, जिनका शोषण करते हैं, इस प्रकार के जो बंधु होते हैं और समाज के लोग होते हैं उनको सर्वहारा कहा। और इसलिए
उन्होंने इस सिद्धांत को बताया कि किसी भी समाज के अंदर रिसोर्सेस का समान वितरण होने के लिए और समाज के अंदर सब लोग स्वस्थ रहें उसके लिए ये आवश्यक है कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति वो होना अनिवार्य है। और इसलिए जब सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी तो उसके बाद जो नेतृत्व तो होगा वो एक ग्रुप के हाथ में होगा जो सर्वहारा वर्ग से निकला हुआ होगा, उसको कहा डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट। इस प्रकार के विचार में से ये साम्यवादी विचारधारा का जन्म हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जिन दो राज्यों के अंदर शिक्षा या लिटरेसी स्तर को काफी अच्छा माना जाता है, ऐसे पश्चिम बंगाल और केरल, वहां पे युवाओं को इस विचारधारा से लुभाने का काफी प्रयास किया गया। और इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर वामपंथी विचारधारा की दृष्टि से बहुत ज्यादा तरुण आकृष्ट हुए और उन्होंने वामपंथी विचारधारा को के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की रचना विद्यार्थियों के अंदर, मजदूरों के अंदर, भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आधार पर सीटू और भिन्न भिन्न प्रकार के मजदूर संगठनों का क्रमशः निर्माण हुआ। लेकिन उसी समय जैसे अभी अनिल जी अपनी एक भूमिका में बता रहे थे कि भारत का भी अपना चिंतन रहा है और भारत का जो चिंतन रहा है वो चिंतन इतना अधिक स्वस्थ और सर्वस्पर्शी रहा है कि एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी द फॉरगॉटन बुक्स, ये टोरंटो लाइब्रेरी के अंदर विद्यमान है, वहां से दिया जा सकता है। उसके अंदर जो विद्वान जो लेखक हैं उन्होंने जो हिंदू समाज है और समाज व्यवस्था उसके बारे में लिखा है, द हिंदूज परफेक्टेड सोसाइटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड वॉज वेल कैलकुलेटेड टू एंश्योर प्रोग्रेस विदाउट पार्टी स्ट्राइफ। देर वॉज नो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन वन पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी लिविंग द अदर पोर्शन इन डेस्टिट्यूट पॉवर्टी। No social forces stimulating the increase of the wealth of one and the poverty of the other, as is the tendency of the modern civilization. इस प्रकार का एक काफी बड़ा जो है विस्तार से विवरण भारतीय संस्कृति के विषय के अंदर इस पुस्तक में है, जिसके अंदर जो सर्वहारा वर्ग की या जो साम्यवादी विचारधारा की जो समाज व्यवस्था है उसको एक ढंग से उससे कहीं अच्छी हिंदू समाज व्यवस्था है इसका उन्होंने वर्णन किया है। अभी स्वतंत्र भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और प्रचारक माननीय दत्तोपन जी ठेंगड़ी ने भी 1955 के अंदर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और उन्होंने एक विशेष प्रकार के उद्देश्य को लेकर के इसको चुनौती देते हुए साम्यवाद को उन्होंने एक भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन को खड़ा किया और उस संगठन का आधार उन्होंने रखा राष्ट्र का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। इस आधार पर भारतीय मजदूर संघ को स्थापित किया गया और उसमें धन की पूंजी श्रम का मान कीमत दोनों एक समान, इस प्रकार से व्यापार की दृष्टि से और एक मोटिवेशन की दृष्टि से मजदूरों के सामने जो एक उद्देश्य रखा गया कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, इस प्रकार से एक साम्यवाद को चुनौती देते हुए जो मजदूर क्षेत्र है उसके अंदर एक राष्ट्रीय भावना और हिंदू जीवन पद्धति के ऊपर आधारित एक व्यवस्था दी गई। और शायद हम में से सबको मालूम होगा कि भारतीय मजदूर संघ आज चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर के विश्व का सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़ा एक सफलतापूर्वक जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इस लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भारतीय विचारधारा के आधार पर स्थापित किया गया। लेकिन अभी जैसे भूमिका में अनिल जी ने बताया था कि साम्यवाद डिक्लाइन पे है, पतन की तरफ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हिंसा अपरिहार्य है। साम्यवाद के जो कार्य पद्धति है चाहे वो नक्सलवाद हो और चाहे वो समाज परिवर्तन करने के लिए एक वर्ग विशेष को किसी भी प्रकार से जिसको उत्पीड़ित कहते हैं उसको हिंसा के लिए उकसाना और समाज के बाकी वर्गों के खिलाफ उनको हिंसा के लिए तत्पर करना, इस प्रकार की पद्धति
समाज को विकसित नहीं होने देती, समाज में सुख शांति निर्माण नहीं होने देती, और इसलिए इसके ऊपर यह पद्धति इसने भारत को कैसे प्रभावित किया है, हमारी समाज व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है, इसके ऊपर एक विस्तार से विचार विमर्श की आवश्यकता है। और उसी पृष्ठभूमि में श्री प्रफुल्ल जी केतकर जो हैं उनका व्याख्यान आज हमारे बीच में रहने वाला है। मुझे ये बताया गया कि मैं प्रफुल्ल जी का परिचय भी कराऊं। प्रफुल्ल केतकर जी बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक हैं, मूल रूप से आप महाराष्ट्र में नासिक के रहने वाले हैं। आपने पुणे विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस के विषय के अंदर ही वहाँ से एमए किया, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जेएनयू दिल्ली से आपने एमफिल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन विषयों से संबंधित कई शोध कार्य आपने किए। आपने अपने अध्ययन और अनुसंधान पर आधारित प्रफुल्ल केतकर जी ने दो पुस्तकें का प्रकाशन किया, 29 साहित्यिक लेखों का प्रकाशन भी किया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया में दो विषयों पर आपकी प्रविष्टि है, और ये विषय है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूरोप तथा ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ एल के अडवाणी। प्रफुल्ल केतकर जी ने साम्यवाद के ऊपर गहरा अध्ययन किया है। इस विषय के ऊपर आप भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में आपने कई बार चीन, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश आदि देशों की यात्रा भी की है, और इसलिए समाज जीवन का, वहाँ के जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके कार्यशैली का, और उनका भारत के साथ क्या संबंध है और वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इन विषयों का बहुत गहरा ज्ञान प्रफुल्ल केतकर जी को है। प्रफुल्ल केतकर जी देश के जाने माने लेखक और पत्रकार हैं, और हम में से बहुतों ने अक्सर उनको टीवी के अंदर दूरदर्शन, एबीपी न्यूज, आईबीएन, लोकमत, रिपब्लिक इंडिया इत्यादि के ऊपर एज ए पैनलिस्ट विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा के लिए अपने विषय को प्रस्तुत करते हुए देखा होगा। आपने दूरदर्शन के अंदर भी कई वर्षों तक एक समाचार वाचक और एक ट्रांसलेटर की दृष्टि से काम किया, और ऐसे 20 वर्ष के बहुत ही लंबे अनुभव के बाद आज आप अपने देश के एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर उसके संपादक के रूप में कार्यरत हैं, कई विषयों के विद्वान हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आज के इस विषय के अंदर हम उनको इस विषय पर एक बहुत सटीक और बहुत ही समसामयिक इस प्रकार का चिंतन इस विषय पर प्रफुल्ल केतकर जी से प्राप्त होगा। श्री प्रफुल्ल केतकर जी अपना संबोधन प्रारंभ करें, उसके पहले श्री राजेंद्र जी एक कविता पाठ करेंगे, और उस कविता के समाप्त होने के पश्चात प्रफुल्ल केतकर जी अपना संबोधन प्रारंभ करेंगे। इतना कहकर मैं अपने इस प्रस्तावना के और परिचय के विषय को समाप्त करता हूँ। राजेंद्र जी अपना गीत प्रारंभ करें। भारत की तरुणाई को फिर नव युग की ललकार है, निखिल जगत सुनने को उत्सुक अर्जुन की टंकार है। भारत की तरुणाई को फिर नव युग की ललकार है, निखिल जगत सुनने को उत्सुक अर्जुन की टंकार है। भारत की तरुणाई को फिर नव युग की ललकार है, धर्म ग्लानी हो चुकी और अज्ञातवास भी पूर्ण हुआ, किंतु पार्थ का संशय अब तक नहीं पूर्णतः चूर्ण हुआ। बुद्धिवादियों के विवेक पर
भ्रम का भूत सवार है भारत की तरुणाई को फिर नवयुग की ललकार है। कई पड़ोसी घुसपैठी दल चुपके भेज रहे उग्रवाद का पहन मुखौटा कपट युद्ध है छेड़ रहे। सभी ओर से चक्र व्यूह का हिंदू भूमि पर वार है भारत की तरुणाई को फिर नवयुग की ललकार है। कम्युनिस्ट ईसाई छल ये इस्लामी कट्टरवादी नए विभाजन लेकर आए आजादी की बर्बादी। पतन गर्त की ओर खींचता इनका दुष्प्रचार है भारत की तरुणाई को फिर नवयुग की ललकार है। सभी चुनौती स्वीकारी है संघ शक्ति अवतार ने कुरुक्षेत्र में वीर जुटे हैं देश धर्म उद्धार में। अब विराट प्रारूप दिखाने भारत अब तैयार है भारत की तरुणाई को फिर नवयुग की ललकार है भारत की तरुणाई को फिर नवयुग की ललकार है। निखिल जगत सुनने को उत्सुक अर्जुन की टंकार है भारत की तरुणाई को फिर नवयुग की ललकार है। भारत की तरुणाई को फिर नवयुग की ललकार है। जी सबको नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर दीपक शुक्ला जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत का जो संपर्क विभाग है उसकी चिकित्सक श्रेणी के संयोजक मैं डॉक्टर राजीव जी, और इस ऑनलाइन सत्र में उपस्थित सर्वसम्माननीय चिकित्सकगण और पूरे देश भर में YouTube और Facebook के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। साम्यवाद और जो पूरे विश्व भर में जो एक तरह का वैचारिक परिदृश्य है उसके बारे में तो मैंने बहुत स्थानों पर बहुत जगह पे बहुत तरीके से बोला है, लेकिन डॉक्टरों के सामने ऐसे एक विशिष्ट ग्रुप के सामने बोलने का शायद पहला ही मौका है, और इसलिए राजीव जी ने और दीपक जी ने मेरे सामने भी एक चैलेंज एक तरीके से रखा है, और शायद आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है कि इस नए विषय को आप लोग कैसे लेते हैं। आप लोगों ने कल ही के बारे में एक खबर सुनी होगी कि चाइना न्यू अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ COVID-19 बट डिड एवरीथिंग टू कवर इट अप एंड WHO रिमेन साइलेंट।
ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। एक चाइनीज वायरोलॉजिस्ट है डॉक्टर यान ली मेंग, इनका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आया कल है, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने परसों, और वो स्टेटमेंट देने के 4 घंटे बाद से डॉक्टर मिंग का कोई पता नहीं है। और ये कोई पहली घटना नहीं है कि चीन में ऐसा कुछ हुआ है। जिसने भी अपना मुंह इस परिस्थिति के बारे में खोलने का प्रयास किया, उनके बारे में चीन में ऐसा ही हुआ है। आज के मेरे संदर्भों में चीन के उदाहरण शायद ज्यादा आएंगे, क्योंकि अभी का वो तात्कालिक विषय है, कोविड को लेकर भी और आक्रमण को लेकर भी, सीमा पर जो परिदृश्य है इसको लेकर भी। लेकिन वो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि कम्युनिस्ट विचारधारा जहां पे है, जहां पे कम्युनिस्ट पद्धति पर शासन रहा है, वहां की कार्य पद्धति वही रही है। दूसरा, यदि हम इसी से जुड़ा हुआ उदाहरण देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले डॉक्टर यू वाई फेंग, जो वुहान में डॉक्टर थे, और उन्होंने एक प्रयास ये किया था कि ये वायरस फिर से रिवाइव हो सकता है, और इसलिए इसके बारे में हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस सेकेंड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसके लिए जो डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स है उस कम्युनिटी को सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स अप्लाई करने चाहिए। तो उनको पहले तो संकेत किया गया, बाद में उनको आदेश दे दिया गया, और ये कहा गया कि आप इस तरीके से प्रोटेक्टिव मेजर्स अपना के लोगों में पैनिक क्रिएट कर रहे हो, और इसलिए आप पर कार्रवाई की जाएगी। अंततः यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर वाईफेंग, और अंततः डॉक्टर वाईफेंग का की 3 तारीख को मृत्यु हुई। उससे पहले जिनको सबसे पहले कोरोना वॉरियर या कोरोना के संदर्भ में जिन्होंने पूरे चीनी एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके वुहान की एडमिनिस्ट्रेशन को संकेत किया था कि इस तरह का कोई एक अलग पैटर्न दिख रहा है जो सार्स की लाइन पर है, वो डॉक्टर ली वाइनलियान, उनको भी, और केवल उनको नहीं उनके परिवार को भी एज अ रूमर मॉन्गर कहा गया। और वुहान लैब के ही केवल 6 डॉक्टर्स इसके कारण मर गए। मुझे लगता है कि ये केवल एक कोरोना के संदर्भ में कम्युनिस्ट रेजिम में क्या हुआ, ये शायद आपको सचेत करने के लिए पर्याप्त है कि कम्युनिज्म के बारे में डॉक्टर होकर भी हमें क्यों समझना चाहिए। मैं 4 प्रमुख बिंदुओं पर साम्यवाद का, हिंसा का जो दौर है, इतिहास है, उसके संदर्भ में आपके सामने विषय रखूंगा। पहला जो बिंदु मैंने कहा कि वाई शुड वी बॉदर अबाउट कम्युनिज्म एज डॉक्टर्स, तो मैं मानता हूं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर दीपक शुक्ला ने एक उसकी पृष्ठभूमि रखी है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से, और जो मूल सिद्धांत रखे गए और उसके परिणाम जो हुए, और केवल भारत में नहीं विश्व भर में परिणाम हुए, और भारत में भी क्या हुआ, उसके प्रैक्टिकल रिपरकशंस क्या रहे, वो हम समझेंगे। उसके बाद मेडिकल प्रोफेशन पर इसका क्या असर हुआ, पहले रशिया में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, और जहां पे भारत में कम्युनिस्ट सत्ता में रहे उनका क्या हुआ, और उसके बाद आज जो स्वरूप है उसमें एक मेडिकल प्रोफेशन में भी कम्युनिज्म की विचारधारा को इन्फिल्ट्रेट करके किस तरीके से एक नया विचार पोषित करने का प्रयास हो रहा है, इसको भी शायद मुझे लगता है आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप स्वयं उस
प्रोफेशन में है, ऑब्वियसली आपके प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल सेफ्टी ये दोनों उससे जुड़े हुए हैं। और अंततः मैं इसके इंडियन पर्सपेक्टिव से क्या रेमेडी हो सकती है इस पर आऊँगा। इस बीच में यदि यहाँ पे बैठे हुए लोगों को कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं या बात के चर्चा के लिए रेज हैंड का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा जो लोग YouTube पर या अन्य माध्यमों से लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उनके लिए एक नंबर जो है वो शेयर किया गया है, उस नंबर पर आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से इसके संबंध में आगे पूछने का मैं सामान्यतः प्रयास ये करूँगा कि आने वाले 30-35-40 मिनट तक मैक्सिमम ये आपके सामने विषय रखूँ और आगे हमें कुछ चर्चा का मौका मिले। 9650724304 इस नंबर पर आप आपके प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए अभी डॉक्टर शुक्ला ने जो कहा कि कम्युनिज्म की विचारधारा ये मूलतः मानवीय जीवन को ही संघर्ष का इतिहास मानती है और संघर्ष के बिना प्रोग्रेस नहीं है। संघर्ष के सिवा मानवीय जीवन का जो प्रोग्रेशन है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप में से डॉक्टर्स होने के कारण आप सब लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी और आप सब लोगों को ये पता है कि कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, ये ऑल थ्री एस्पेक्ट जो है वो मानवीय जीवन से जुड़े हुए हैं और इस कारण से हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें से केवल एक कोई एस्पेक्ट ये मानवीय जीवन का आधार नहीं हो सकता। लेकिन कम्युनिज्म ने क्लास स्ट्रगल को ही अपने पूरे विश्लेषण का आधार माना और उस क्लास स्ट्रगल का जो बेसिक थियोरेटिकल फाउंडेशन है वो उन्होंने कहा कि मटेरियलिस्ट है। तो मानवीय जीवन का कल्चर, एजुकेशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वैल्यूज, ये सारा सुपरस्ट्रक्चर है जो कुछ डिपेंड करता है वो मैटर पर डिपेंड करता है, आपकी मटेरियल या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स है उस पर डिपेंड करता है और उसको कहा गया रिलेशनशिप ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। और ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर पहले स्लेव्स और स्लेव ओनर्स, ये क्लास स्ट्रगल था, फिर एक तरीके से जिनको जमींदार कहा गया वो, और लैंडलेस लेबरर्स, ये दूसरा क्लास स्ट्रगल रहा। और तीसरे फेज में कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक नया क्लास स्ट्रगल शुरू हुआ जिसको उन्होंने बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट कहा गया। तो प्रोलेटेरिएट मतलब लेबर क्लास है, बुर्जुआ मतलब जो कैपिटलिस्ट, जिनके पास कैपिटल है। अब आप लोगों को इसमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि इंटेलेक्चुअल, मिडिल क्लास, प्रोफेशनल्स, ये सारी कैटेगरी जो है वो बेसिकली कैरियर्स ऑफ बुर्जुआ आइडियोलॉजी मानी जाती है। तो चाहे मैं पत्रकार या अध्यापक के नाते रहा हूं या आप सब लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स के नाते रहे हो, तो आप सब लोग बुर्जुआ हो, आप लोगों का शोषण करके कैपिटल अपने हाथ में रखते हो और उसके द्वारा लोगों पर या समाज की व्यवस्था पर अपना नियंत्रण प्रस्थापित करते हो। तो इसलिए क्रांति आपके विरोध में भी होगी और क्लास स्ट्रगल की हिंसा का परिणाम इस प्रोफेशन पर भी होगा। तो ये मूलतः फंडामेंटल है विचारों का। और क्योंकि क्रांति के सिवा ये परिवर्तन नहीं आ सकता तो वो रिवॉल्यूशन अनएंडिंग है। जहां पे पहले रिवॉल्यूशन हुई वहां पे सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं। वो रिवॉल्यूशन का दौर बार बार चलता रहा और उसके नाम बदलते रहे, उसके परिणाम बदलते रहे, लेकिन क्रांति की भाषा वही चलती रही। और इसके आधार पर हुआ क्या, तो जिसको उन्होंने, मार्क्स ने भी कहा प्रोलेटेरिएट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो जो
सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसकी सत्ता आएगी। अच्छा, उसकी सत्ता आएगी मतलब क्या होगा? तो अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी इन सारे वर्ग की प्रतिनिधि है। आप में से कुछ लोगों को शायद जानकारी हो, और नहीं तो मैं कभी थोड़ा बहुत लेजर टाइम में आप सब लोगों को निवेदन करूंगा कि जॉर्ज ऑरवेल नाम का एक प्रसिद्ध लेखक हो गया, जो खुद सोशलिस्ट था, बाद में जिसने अपनी विचारधारा बदली, तो उसने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, सटायर है, एनिमल फार्म नाम से। तो इक्वालिटी फॉर ऑल, इससे जो जो सारे जो प्राणी हैं एक फार्म हाउस में रहने वाले, वो मनुष्य के खिलाफ क्रांति शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो क्रांति का परिणाम क्या होता है, तो ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी सम आर मोर इक्वल हो जाती है। और इसका शासन ही, इसने तय किए नियम ही, ये तथा कथित, देखिए समता का सिद्धांत ऐसा है कि इक्वालिटी ये किसी को भी आकर्षित करता है, हाँ भाई सबको समान ये होना चाहिए, लेकिन किसी भी संसाधन का समान वितरण करने के लिए भी संसाधनों का निर्माण होना आवश्यक होता है। अनलेस यू प्रोड्यूस द रिसोर्सेस, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस, सीधा सीधा नियम है। आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं होंगे पर्याप्त संख्या में, तो आप लोगों को इक्वल हेल्थ केयर क्या दोगे? तो उसके भी कुछ परिणाम होते हैं, लेकिन मैं कुछ आंकड़े केवल इसके परिणामों के आपके सामने रखूंगा। अभी तक कम्युनिज्म के सोवियत रशिया में पतन के बाद अलग अलग अध्ययन हुए, और उस अध्ययन के आधार पर अलग अलग आंकड़े सामने आए। कम्युनिस्ट डेमोसाइड नाम से 1900 टू 1987 के बीच में डोमेस्टिकली और फॉरेन कंट्रीज में मिलकर डेथ बाय गवर्नमेंट इस नाम से पुस्तक आरजे रोमेल्स ने लिखी, और उसमें उन्होंने कहा कि 110 मिलियन पीपल वेर किल्ड बाय कम्युनिस्ट डेमोसाइड। तो उनका कहना था कि ये ज्यूस और बाकी सारा जो हिंसा नाजी जर्मनी के द्वारा या फैशिस्ट रेजिम्स के द्वारा की गई, वो इसके 40% भी नहीं थी, इतने लोग कम्युनिज्म ने मारे हैं। रमेल ने यही अपना एस्टिमेशन रिवाइज किया 1999 में, और उन्होंने कहा कि 148 मिलियन। हेलो, तो 148 मिलियन, ये एक आंकड़ा सामने आया। ऐसे आगे जाकर एक स्टीफन कॉर्टियस का स्टडी है, उन्होंने भी 85 टू 100 मिलियन का आंकड़ा दिया है। फिर सिर्फ हम चाइना और कंबोडिया की बात करें तो मिनिमम 21 मिलियन टू 70 मिलियन ईच, इस तरह का एक एस्टिमेशन आया है। फिर एक आंकड़ा जो दिया गया है जिसमें 100 मिलियन जो मोस्टली कॉमन साइटेड है, लेकिन फिर भी 161 मिलियन तक ये आंकड़ा जाता है। तो 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम्युनिज्म की हिंसा ने अभी तक मारा है। अब इसके स्वाभाविक रूप से एक सपना दिखाया गया कि भाई एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर होगा, हेल्थ सर्विसेज सारी सोशलाइज हो जाएंगी, स्टेट द्वारा ये सारा कंट्रोल होगा। तो रशिया में, यूएसएसआर में उस समय के, तो ये कहा गया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पोस्टमैन एंड अ डॉक्टर। तो एक तरह से फोर्स इक्वालिटी के नाम पर एक प्रोफेशनल डिग्रेडेशन तो था ही। फिर टोटल यूनियनाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया। तो एक तरफ डॉक्टर्स और
नर्सेस की यूनियंस बन गई, लेकिन विदाउट मार्केट्स एंड प्राइसेस डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज नॉर्म्स थे उसके कारण क्या हुआ, उसकी कुछ कुछ स्टोरीज जो रशिया की खास करके पब्लिसाइज हुई है वो मुझे लगता है सारे डॉक्टर्स को आँख खोल के सुननी चाहिए। क्योंकि स्टेट राशनिंग होता था तो उसके साथ साथ डॉक्टर्स की सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का भी राशनिंग होता था। ये जो रिपरकशंस होते हैं, एक जो फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी जो सेलिब्रेट की जाती है इक्वालिटी के नाम पर, वो बेसिकली इक्वालिटी ही नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप आ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक प्रोफेशनल एक स्वतंत्रता होती है, हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, जो नए रिसोर्सेज करने के लिए इनोवेटिव या क्रिएटिव मेथड्स होते हैं वो भी डिनाई किए जाते हैं, तो ना समानता ही आती है और ना स्वतंत्रता बचती है। तो रशिया की जो कहानियां आती है उसमें यह कहा जाता है कि हॉस्पिटल वार्ड्स में से जो एनेस्थेसिया या पेन किलर्स अवेलेबल ना होने के वजह से जो पेशेंट्स थे उनके पेन की आवाज़ कई दूर तक हॉस्पिटल के बाहर सुनाई दी जाती थी। ये वहाँ के डॉक्टर्स ने लिखे हुए, फिजिशियंस ने लिखे हुए उनके एक्सपीरियंसेस है। तो इसलिए ये स्वाभाविक रूप से दिखता है। एक घटना है जिसके बारे में मुझे लगता है कि सबको हमें ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को भी उस घटना के बारे में कभी ना कभी पढ़ना चाहिए, जिसको पॉपुलरली यूएसएसआर की सारी हिस्ट्री में, जो कम्युनिस्ट हिस्ट्री है उसमें डॉक्टर्स प्लॉट कहा गया। ये डॉक्टर्स प्लॉट जो था वो आया था तो 1953 में, लेकिन इसकी शुरुआत 1948 के बाद ही हुई थी। एंद्रेज अदवानो करके जो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी थे, उनकी मृत्यु हुई थी 48 में, और उससे पहले और एक ऐसी ही मृत्यु अलेक्जेंडर स्नेरबाकोव की हुई थी। तो इस कारण से स्टालिन ने अपने, मतलब इसके दो वर्जन से, स्टालिन ने एक तरफ अपने ही जो प्रतिद्वंद्वी थे कम्युनिस्ट पार्टी में उनको ख़त्म करने के लिए डॉक्टरों का उपयोग किया, और फिर ऐसे 9 डॉक्टर्स बाद में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, और एक तरीके से री एग्जामिनेशन ऑफ केसेस एंड चार्जेस अगेंस्ट द डॉक्टर्स फॉर एलिमिनेटिंग द टॉप कम्युनिस्ट लीडरशिप, ये उन पर चार्ज लगाया गया। और डॉक्टर्स के प्लॉट पर निकिता क्रुश्चेव जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने, उन्होंने 20वीं उनकी पार्टी कांग्रेस थी उसमें कहा कि ये तो सारा स्टालिन का षड्यंत्र था अपने ही पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स को समाप्त करने के लिए। तो क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कोई प्रश्न नहीं खड़े कर सकता, तो इस कारण से एक बहुत बड़ा एक तरीके से षड्यंत्र पार्टी के नाम पर हिंसा का बार बार रखा जाता है। अब यहाँ पे और एक बात ध्यान रखने वाली है कि 1948 के बाद चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन आई, उसी समय से थोड़ी बहुत इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन खास करके 1989 में रशिया यूएसएसआर के पतन के बाद ग्लोबली कोल्ड वॉर एक तरीके से समाप्त हो गया अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो चल रहा था, लेकिन उसकी उसका स्थान जो है एक नए तरीके के वॉर ने ले लिया, जिसको माओ ने परिभाषित किया था, जिसको कल्चरल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक सांस्कृतिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो लेबर के नाम पर जो क्रांति होनी थी वो तो विफल रह गई, लेकिन
इसके साथ साथ एक क्रांति वो भी हो सकती है जो सांस्कृतिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में लाई जाएगी, और उसके लिए तैयारी करने में अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को भी एक तरीके से टारगेट करने का प्रयास ये भारत में भी हुआ। उससे पहले हम देखते हैं तो बंगाल, त्रिपुरा और केरल, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिस्टों का बोलबाला रहा। वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की क्या स्थिति रही, इसके बारे में चाहे मेडिकल कॉलेजेस को लेकर हो या अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, इसकी बहुत सारे एक तरफ है जो पार्टी का वर्जन है, लेकिन एक एक है ग्राउंड रियलिटी है। क्योंकि यदि इतनी अच्छी वहाँ पे सर्विसेज रहती तो वहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो दूसरे जगह जाकर काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस सारे प्रोफेशन को पार्टी लाइन पर चलना ये मैंडेटरी हो जाता है। उस पार्टी लाइन से भटकना ये आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। जैसे अभी रिसेंटली उदाहरण हम ले तो CAA के नाम पर सब जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए। केरल में ऐसी दो घटनाएं हुई जहां पे ये हुआ कि एक डॉक्टर था जिसने फेसबुक पर पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हुए हिंदू और उन पर हुए अत्याचार, उसके बारे में कोई पोस्ट डाली। उस डॉक्टर को, उसके पूरे परिवार को इस तरह से प्रताड़ित किया गया केरल में कि उसको अपनी प्रैक्टिस और अपनी डिस्पेंसरी चलाना मुश्किल हो गया। तो जब हिंसा ही सारे प्रश्नों का हल है तो फिर ऐसी स्थिति में आप कभी भी इसका उत्तर नहीं ढूंढ सकते। ये हमने केरल में भी देखा है, ये हमने पश्चिम बंगाल देखा है, और त्रिपुरा में तो इतना बुरा हाल था कि डॉक्टर्स के वर्जन पर केस भी रजिस्टर नहीं हो सकती थी, इतने ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एंटायर मशीनरी कर दिया गया। तो आपके पूरी हेल्थ केयर सिस्टम जब पॉलिटिसाइज हो जाती है, और इसके बहुत सारे उदाहरण बंगाल के और त्रिपुरा के उपलब्ध हैं, तो ऐसे में कोई भी प्रोफेशन हो वो सही तरीके से अपने प्रोफेशन को न्याय नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने कहा कि लेबर का एक रिवॉल्यूशन जो था वो तो विफल हो गया, और लिबरलाइजेशन की जैसे भाषा शुरू हुई, ग्लोबलाइजेशन की जैसे भाषा शुरू हुई, वैसे तो मार्क्स भी अपने आप में ग्लोबलिस्ट ही था, क्योंकि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की अपने आप से नहीं जोड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी अपने आप को इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहती है, वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहती है। इसमें बड़ा अंतर है, वो ग्लोबल कम्युनिस्ट मूवमेंट से अपने आप को जोड़ती है। तो इसलिए 1950 और 60 के दशक में जो कहा गया कि चाइना चेयरमैन इज अवर चेयरमैन, या पहले रशिया की तरफ वैसे ही देखा गया, तो स्थिति उसमें बदली नहीं है बहुत। अभी जो सारा गलवान में तनाव हुआ और LAC पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उन्होंने चीनी सैनिकों को भी करारा जवाब दिया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को कंडेम नहीं किया, वो उन्होंने पीस के लिए प्लीड किया, इसमें शांति बनाए रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका अदरवाइज इसका फायदा लेगा। ये कौन बोल रहा है? ये चीन बोल रहा है, और ये चीन की भाषा यहां बैठकर कम्युनिस्ट बोल रहा है। तो ये एफिनिटी इनकी जो पहली है वो पार्टी के लिए है, और पार्टी की विचारधारा के लिए देश बाद में है, अपना समाज बाद में है, इस समाज की परंपरा है, उसके वैल्यूज बाद में है। और जब लेबर वाली सारी यूनियनिज्म खत्म हो गई, उसका परिणाम कारक वो कोई भी एक तरीके से मॉडल नहीं दे पाए, खास करके USSR के पतन के बाद, तब उन्होंने एक कल्चरल मॉडल पर काम करना शुरू किया। ये मॉडल क्या है? तो ये
मैं जहाँ से पढ़ा हूँ JNU उसका एक प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस तरह का एक वैचारिक षड्यंत्र हम कह सकते हैं कि चलता रहा। और नक्सलिज्म से इसकी शुरुआत हुई और अब तक हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितनी हिंसा नहीं हुई उतनी चाहे बस्तर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने दिया, ना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने दिया, ना डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने दी गई, लोगों को बर्बरतापूर्ण मारा गया। और जम्मू कश्मीर में बाहर से इन्फिल्ट्रेशन के बाद भी जो आतंकवाद फैला उससे जितनी हत्याएं नहीं हुई उतनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नक्सलवाद और उसके बाद आए उसके अलग अलग रूपों ने, चाहे वो माओवाद के रूप में आया, चाहे वो पीपल्स वॉर ग्रुप के बारे में आया, फिर माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के रूप में आया, और अभी एक CPI माओइस्ट नाम से जो इसका सारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। लेकिन इसका इंटेलेक्चुअल जो बेस है वो जैसे यूनिवर्सिटीज में है, वो जैसे मेरा मीडिया का फील्ड है उसमें है, NGOs में है, अभी इन्फिल्ट्रेट करने का जिन्होंने प्रयास किया शायद इस मीटिंग में वो भी एक कोई साइबर ग्रुप हो सकता है, और उसके साथ साथ चाहे मेडिकल प्रोफेशंस हो, चाहे लॉयर्स हो, इनकी भी लॉबीज इनके लिए काम करती है। क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये भी मुझे लगता है हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। एक ग्रामशी नाम का थिंकर होकर गया, मूलतः इटालियन थिंकर था, तो उसने ये कहा कि क्रांति जो वो कोई लेबर वेबर के भरोसे आती नहीं है, तो वो किसके भरोसे आती है, तो वो इंटेलेक्चुअल्स के भरोसे आती है। कहाँ आती है, तो कल्चरल रेल में आती है, इंटेलेक्चुअल फील्ड में आती है। तो करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। कैसे लाएंगे, तो ये जो सारी वैल्यू सिस्टम और कल्चरल रूट्स को मेंटेन करने वाला जो डोमिनेंट क्लास है उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दो, उसके वैल्यूज को क्वेश्चन करना शुरू कर दो, और उसके लिए अलग अलग पेरिफेरल आइडेंटिटीज क्रिएट करो, और वो जो पेरिफेरल आइडेंटिटीज जो क्रिएट होंगी उन पेरिफेरल आइडेंटिटीज के द्वारा आप चैलेंज करो इस डोमिनेंट कल्चर को, और इस डोमिनेंट कल्चर के द्वारा जब आप इसको चैलेंज करना शुरू करोगे अलग अलग लाइन पर, कभी अनुसूचित जाति के लाइन पर, कभी महिला के लाइन पर, कभी और किसी आइडेंटिटी की लाइन पर, कभी उपासना पद्धति के आधार पर, तो क्या होगा कि ये डोमिनेंट आइडेंटिटी जो है वो वीकन होगी, और वो वीकन होगी तब एक अनार्की का माहौल आएगा, और वो अनार्किक माहौल जो है वो आपकी रिवोल्यूशन के लिए ग्राउंड क्रिएट करेगा। अब ये आपके मेडिकल प्रोफेशन में भी काम करता है। डॉक्टरों पर हमले करवाना, किसी की हत्या को, किसी के मृत्यु को हत्या का अंजाम जामा पहनाना, उस ट्रीटमेंट के समय कितने भी डॉक्टर ने प्रयास किए हो लेकिन यदि उस हॉस्पिटल का और डॉक्टर का ब्रांड और जिसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई है ऐसे पेशेंट की जाति या उसकी आइडेंटिटी, ये यदि पॉलिटिकली कन्वीनियंट है तो उसका एक मास अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए उपयोग करना, और आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए यंग डॉक्टर्स को भी रिक्रूट कर, और उसको रिक्रूट सिस्टमिक लाइन पर करना, उसके इसका उसका बुद्धिभेद इस तरीके से करना कि ये यदि आप नहीं करोगे तो आप एक तरीके से शोषित वर्ग की का साथ दे रहे हो। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सारा हेल्थ केयर सिस्टम है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में हेल्थ केयर सिस्टम जो होती है उसकी अपनी समस्याएं है, उसके अपने प्रश्न हैं, उसके बारे में कभी अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर निश्चित रूप से हिंसा नहीं हो सकता। उसका उत्तर निश्चित रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर इस तरह से डॉक्टरों पर या हॉस्पिटल्स पर हमला करना नहीं हो सकता। तो ये एक मॉडल धीरे धीरे बहुत सिस्टमेटिकली डेवलप होता हुआ दिखता है। तो आपके प्रोफेशन में यदि कोई ये क्वेश्चन करना शुरू कर दे अपने भारत के संदर्भ में
तीन प्रमुख विचारधाराओं का जो संघर्ष है वहाँ पे कम्युनिस्ट कहाँ बैठते हैं वो आप ठीक से समझ ले तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनली उनको आइडेंटिफाई करना या एक्सपोज करना आसान हो जाएगा। एक विचार है जो ब्रिटिशों ने लाया और बाद में स्वतंत्रता के बाद एक तरीके से हमारे एकेडमिक थिंकिंग में उसको कायम किया गया कि इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग, भारत को हमें एक 47 में नया नया बनाना है, स्वतंत्रता मिली है हमें एक नया राष्ट्र बनाना है। तो एक नेहरूवियन थिंकिंग था, एक सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोग्रेसिव सेक्युलर थिंकिंग जिसको कहा गया। एक दूसरा थिंकिंग था जो सनातन काल से चलता आ रहा था, जिसकी एक निश्चित ऐसी परंपरा थी और वो हमें हमारी भक्ति मूवमेंट में दिखता है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप हो, इनके जो आर्य चाणक्य से लेकर यहाँ तक की परंपरा में दिखता है, फिर वो विवेकानंद, अरविंदो, लोकमान्य तिलक, इनके विचारों में दिखता है। तो एक सनातन राष्ट्र है, एक प्राचीन राष्ट्र है, उसका पुनरुज्जीवन करना है, रिवाइटलाइजेशन और रिवाइवल ऑफ इंडियन नेशनहुड। लेकिन एक तीसरा विचार जो 1920 के दशक से ही भारत में पनपा था वो कम्युनिज्म का विचार था। 1920 में मॉस्को में उसकी स्थापना हुई थी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मॉस्को में हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से हुई। 1925 में कानपुर में ऑफिशियली इसका पहला सेशन भले ही हुआ हो। तो उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि इंडिया वॉज नेवर अ नेशन एंड इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन, इंडिया इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ नेशनैलिटीज, बहुत सारे राष्ट्रीयता का समुच्चय है, ये तो एक स्टेट जबरदस्ती अंग्रेजों ने बांध के रखा है और इसीलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इससे बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, भारत को वो टुकड़ों में ही देखते हैं। तो अब जब भारत को टुकड़ों में देखते हैं, सारे अपनी आइडेंटिटीज को टुकड़ों में देखते हैं, सारे प्रोफेशंस को क्लास स्ट्रगल के मॉडल पर देखते हैं, तो हम चाहे मैं मीडिया में हूं, चाहे एकेडमिक्स में हूं, चाहे आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप इससे अनछुए कैसे रह सकते हैं। तो ये तो एक व्यवस्था के लिए निरंतर खतरा बनाए रखना, ये कम्युनिस्टों का एक मॉडल है, ये बेसिकली माओइस्ट मॉडल है, ये कल्चरल रिवोल्यूशन का मॉडल है, ये अभी लेबर रिवोल्यूशन का मॉडल नहीं है। तो डोमिनेंट कल्चर, अब भारत में शोषित करने वाला डोमिनेंट कल्चर परिभाषा में कौन है, तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जिसको कहा जाता है, उसके खिलाफ जितनी आइडेंटिटीज खड़ी कर सको और जिस भी रूप में कर सको, तो उनके लिए पेशेंट केवल पेशेंट नहीं है, वो एससी पेशेंट होगा, वो मुस्लिम होगा, वो महिला पेशेंट होगी, और उसको क्रांति करवाने का, या माइग्रेंट पेशेंट होगा, और उनको क्रांति करवाने का, उसको हिंसा के रास्ते पर लेकर जाने के अलग अलग तरीके होंगे। अब केवल इतना नहीं होता है, तो जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है वहां पे जो ड्रैकोनियन मेजर्स लगाए जाते हैं वो कितने भयंकर तरीके के होते हैं, उसके लिए फिर से हमें दो चीन के उदाहरण दूंगा। वैसे तो भारत में भी कम्युनिस्ट शासन जहां जहां पे रहा वहां पे, चाहे फैसिलिटीज को, पे स्ट्रक्चर को लेकर हो, अलग अलग मेजर्स लाए गए, लेकिन जो ड्रैकोनियन मेजर्स चीन में लाए गए, एक मास डिटेंशन कैंप के बारे में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, जिंगजियांग जो प्रांत है वहाँ के 30 एक्स डिटेनीज के इंटरव्यूज आए और उनके फैमिली मेंबर्स के भी इंटरव्यूज आए, और वहाँ पे हान मेजॉरिटी, मतलब जो चाइनीज मेनलैंड की मेजॉरिटी है, उसको कायम करने के लिए युगुर जो वहाँ की माइनॉरिटी एथनिक पॉपुलेशन है, उनके बर्थ रेट्स को कर्ब करने के लिए, स्लैश करने के लिए ड्रैकोनियन मेजर किस तरीके से लाए गए, इसके बारे में, और उसको, उस रिपोर्ट को नाम दिया गया, आगे वो टाइम मैगजीन ने भी छापी, उसको कहा गया डेमोग्राफिक जीनोसाइड। अब आप प्रोफेशनली क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि एज अ डॉक्टर आपको कोई व्यवस्था ये बाध्य करे कि जो पेशेंट नहीं चाह रहा है, या पेशेंट है आपके पास आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी
आपको कंपल्सरीली बर्थ कंट्रोल मेजर्स ये विशिष्ट कम्युनिटी पर अप्लाई करने हैं, लेकिन कम्युनिज्म ने ये किया है। अब स्वाभाविक रूप से आप प्रश्न पूछेंगे कि ये इतना भयंकर स्वरूप है फिर भी इसके बारे में आकर्षण क्यों है, इसके बारे में उपाय क्या है। तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि एक सेंटेंस बहुत पॉपुलरली कहा गया, कभी वो चर्चिल के नाम पर चलाया जाता है, कभी स्वामी विवेकानंद के नाम पर चलाया जाता है, कहा जिसने भी हो, लेकिन कुछ हद तक वो तथ्य है। वो सेंटेंस ऐसा है कि इफ यू आर नॉट कम्युनिस्ट एट द एज ऑफ 18 देन यू डोंट हैव अ हार्ट, बट एट द एज ऑफ 40 इफ यू स्टिल रिमेन कम्युनिस्ट देन यू डोंट हैव अ हेड। तो जो युवा होता है उसको उस आयु में इस क्रांति का, इस परिवर्तन का, समाज में समानता लाने का, यह स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है और इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। उसका लाने का मार्ग क्या हो, इसके बारे में समस्या है। कम्युनिज्म का या मार्क्स के सारे सिद्धांत का मानवीय जीवन के बारे में जो एनालिसिस है वो प्रॉब्लमेटिक है, और इसलिए समाज में ये चेतना, ये समझ बढ़ाने की जरूरत है कि संघर्ष, समन्वय और सहयोग ये सारे मानवीय जीवन के अंग है, लेकिन संघर्ष ये लास्ट रिसोर्ट होता है, ये उपाय योजना नहीं हो सकती। ये संघर्ष के आधार पर किसी समस्या का केवल हिंसा के आधार पर हल नहीं निकाला जा सकता। तो ये पहला एस्पेक्ट। लेकिन इससे बड़ा जो मुझे लगता है उपाय योजना के आधार पर, वो ये है कि अलग अलग वैचारिक क्षेत्र में जो इन्फिल्ट्रेशन, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशन में हो, सोशल साइंसेस में, तो बहुत बड़ा है। एक उदाहरण आपको जाते जाते सिर्फ दे देता हूँ कि जैसे ओरिजिनली हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ इस नाम पर शुरू हुआ जब अध्ययन, तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षा क्या थी कि हेल्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट में ही इसका, स्कूल में ही इसका अध्ययन हो, होना भी चाहिए। लेकिन ये सबसे पहले शुरू हुआ मेरे अल्मा माटर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। जब वो हेल्थ साइंसेस के साथ शुरू हुआ तो उसका विरोध हुआ, कम्युनिस्टों ने विरोध किया, लेकिन उसको बाद में शुरू किया गया और वो सोशल साइंसेस में शुरू किया गया और वो पब्लिक हेल्थ के नाम पर शुरू किया गया। पब्लिक हेल्थ हेल्थ साइंसेस नहीं पढ़ेगा, सोशल साइंसेस पढ़ेगा और वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से आप हेल्थ भी पढ़ोगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से आप मैथमेटिक्स भी पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, आप पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ोगे, आपको आगे जाकर आपकी सारी बॉडी भी पॉलिटिकली और सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़नी पड़ेगी। ये जो माइंडसेट है, ये क्लोज माइंडसेट है, ये आपकी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देने वाला माइंडसेट है। ये माइंडसेट को एक्सपोज करना, ये हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। ये इसका हिंसात्मक, बर्बरता पूर्ण दृश्य जो है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं सब कुछ हो सकता हूँ लेकिन कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, 1937 में मैसूर में एक उन्होंने भाषण दिया था। और उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो हिंसा के आधार पर और पूरे के पूरे मजदूर वर्ग को केवल अपनी राजनीतिक जो उद्देश्य है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करने वाली विचारधारा, मतलब कम्युनिज्म है। मुझे लगता है हम इसको ध्यान में रखें और इसके आधार पर जो मूल है, और वो केवल भारत का नहीं, चीन का हो, कंबोडिया का हो, रशिया का हो, रशिया में जैसे ही कम्युनिज्म का पतन हुआ तो हर एक ने कजाकिस्तान हो या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति और अपने अपनी परंपराओं के प्रति अपनी आस्थाओं को फिर से खोजना शुरू किया। तो उसी में मूल आधार समाज की व्यवस्था का होता है, उसमें परिवर्तन निश्चित होना चाहिए युगानुकूल, उसमें नई चीजें अवश्य जुड़नी चाहिए, लेकिन
इस कम्युनिज्म की हिंसा के आधार पर हम परिवर्तन की यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकते। और खास करके इस कोरोना महामारी ने जिस तरह से कम्युनिज्म की इस पूरी व्यवस्था का, चीन का एक पर्दाफाश किया है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट है, अनडेमोक्रेटिक है, एंटी पीपल है, एंटी प्रोफेशनल है, वो पूरे के पूरे तरीके से हर तरीके का दमन शक्ति का उपयोग करने वाली व्यवस्था होती है। इसको जिस तरीके से ये एक्सपोज हुई है इस सारे कोरोना पैंडेमिक के कारण, मुझे लगता है ऐसी स्थिति में इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम कहाँ पे समाज की सारी व्यवस्था में हैं, हमें इस विचार के मूल हिंसात्मक आधार को समझना भी चाहिए और उपाय योजना के नाते हमारे समाज में परिवर्तन के मूल आधार क्या होंगे, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम हो या जो भी डिवाइड्स हो। आज जैसे इन्होंने बात नहीं शुरू कर दी है कम्युनिस्टों ने भारत के, जिसमें मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं कि डिजिटल डिवाइड है, बिल्कुल डिजिटल डिवाइड है, और डिजिटल डिवाइड के लिए नेहरूयन सोशलिज्म जिम्मेदार है, जिसने ये कहा कि भाई कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो ये डिजिटल डिवाइड दूर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबने मिलकर प्रयास भी करना चाहिए, उसके लिए लोगों को भड़काना नहीं है। जिसके पास कंप्यूटर है और जिसके पास मोबाइल है, उससे छीन कर मैं अपने डिजिटल डिवाइड को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंप्यूटर उस मोबाइल के दो टुकड़े हो जाएंगे और किसी के काम का नहीं रहेगा। आपको इतनी अपनी शक्ति आत्मनिर्भरता की बढ़ानी पड़ेगी कि वो सबके लिए अवेलेबल हो। तो मुझे लगता है भारत के सॉल्यूशंस, भारत के तरीके से ढूंढने के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। इसमें जो जो वर्ग ऐसा है जो इस सारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं वंचित रहा है, उसको साथ में लेते हुए जो हमारा एक इंटीग्रल व्यू है, जो व्यक्ति और समष्टि को साथ में देखता है, जोड़कर देखता है, एक्सक्लूजन के रूप में नहीं देखता, इन सबको साथ में लेते हुए हमारी समस्याओं का हमें आकलन करना होगा। कम्युनिज्म की विचारधारा इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकती, ये विश्व ने लगभग स्वीकार कर लिया है। अब इस समय में, महामारी के समय, जिस तरह से यूरोप की और अमेरिका की स्थिति हुई है, जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, वो भी शायद उसका उत्तर देने में असमर्थ है। और ऐसे में भारत की तरफ, भारत की एकात्म दृष्टि के इस तरफ, जो व्यक्ति, समाज, सृष्टि पूरी की पूरी, पूरा एनवायरमेंटल इकोसिस्टम और परमेष्टि, ह्यूमन, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इसको एक स्पाइरल लिंकेजेस के रूप में देखती है, एक इवोल्यूशन के रूप में देखती है। तो मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का, सारी चिकित्सक श्रेणी का, इस सारी समग्र दृष्टि को, शरीर को भी हमारे सारी चिकित्सा पद्धति में समग्र दृष्टि से देखा गया है। हम किसी एक किसी शरीर के एक हिस्से का इलाज नहीं करते, हम पूरे शरीर को सोचते हैं, पूरे व्यक्ति को सोचते हैं, और तब इलाज करना चाहिए, ये कहा गया है। मुझे लगता है इस दृष्टि को वैसे ही समाज में है, कोई एक समस्या है तो उस समस्या को हम केवल हिंसा के आधार पर काट कर उसको फेंक देंगे, ये नहीं चलेगा। तो उसका हमें सही तरीके से निदान करना होगा, डायग्नोसिस करना होगा, उस डायग्नोसिस के आधार पर हमें आगे जाकर उसका उत्तर भी हमारे तरीके से ढूंढना होगा, और इसका उत्तर हम ही विश्व को दे सकते हैं, ये विश्वास भी रखना पड़ेगा। और ये रखना क्यों पड़ेगा, तो इसका एक उदाहरण केवल देता हूँ और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, आगे कुछ प्रश्न है तो लूंगा। चीन में एक प्रोविंस में अभी भी प्राचीन परंपराएं जीवित है, और इतने दमन के बाद भी इन परंपराओं का कहीं ना कहीं पालन होता है। और ऐसा ही एक मंदिर जैसा पहाड़ी पर स्थान वहाँ पे है, वहाँ पे मैं गया था कुनमिंग के पास, तो मैं वहाँ पे जब गया तो एक महिला मेरे सामने आई, बड़ी आयु में बड़ी थी, और उसने मुझे पूछा कि आप भारत से आए हो क्या। मेरे साथ एक
विद्यार्थी था, उसने चीनी भाषा में उससे संवाद किया और उसको जैसे ही लगा कि मैं भारत से आया हूँ तो उसने तुरंत मेरे चरण छुए और कहा कि मैंने उनको कहा कि आप आयु में मुझसे बड़ी है, आप महिला है, आप मेरे चरण क्यों छू रही है। फिर मैंने भी उनके उनके पद स्पर्श किया तो उन्होंने कहा कि उनको कहिए कि मैंने इनके पैर नहीं छू रही हूँ, पूरे विश्व को जिन्होंने धम्म की शिक्षा दी है उस भारत से ही आए हैं, इसलिए मैंने इनके चरण छुए हैं। अब 70 साल की माओ की क्रांति के बाद भी चीन में भारत के बारे में, भारत के सामान, चीन के सामान्य नागरिक के मन में भारत के बारे में ये धारणा है। तो हमें निश्चित ये विश्वास रखना चाहिए कि ये कम्युनिज्म की विचारधारा जो है वो हिंसा के आधार पर कभी भी विश्व को कोई भी सोल्यूशन नहीं दे सकती। भारत का जो सर्वेपि सुखिनः सन्तु का विचार है वही इसका मूल आधार हो सकता है। तो ऐसे भारत को हम पुनरुज्जीवित करने में, उसका पुनर्जागरण करने में और ऐसे खतरों से इस जो जो कम्युनिज्म की, चाहे कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर हो, चाहे लेबर रिवॉल्यूशन के नाम पर हो, जो उसका खतरा है, उससे देश को एक अनार्की की तरफ, एक हिंसा की राजनीति की तरफ ना जाए, इसमें अपनी भूमिका निभाए। ऐसे में मुझे लगता है कि विशिष्ट श्रेणी के लिए जो संगोष्ठी रखी गई ये अपने आप में एक भूमिका निभाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस खतरे को समझते हुए इसमें हम देखेंगे, इस समस्या को देखेंगे और अपने अपने लेवल पर इसका उत्तर भी ढूंढने का एक प्रयास करेंगे। तो मैं माननीय डॉक्टर दीपक शुक्ला जी को और राजीव जी को, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, सारे चिकित्सा श्रेणी से जुड़े हुए जो कार्यकर्तागण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज एक परीक्षा में उन्होंने मुझे उतारा चिकित्सकों के सामने साम्यवाद रखने के लिए। एक मर्यादा है क्योंकि मैं थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा इसको अभी रखना नहीं चाहता था, तो कुछ उदाहरणों के साथ आपके सामने रखा है और बीच में जिसको अभी टेक्नोलॉजिकली जूम बार्डिंग कहा जाता है तो वो उसका भी हमने अनुभव लिया। तो एक वो साइबर वॉरफेयर भी चल रहा है, आप लोग भी अपने प्रोफेशन में इसका अनुभव ले रहे होंगे, तो इसके लिए भी हमें अपने आप को इक्विप करना है, तैयार करना है। तो अपेक्षा करता हूँ कि हम प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों लेवल पर इस समस्या से लड़ने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करेंगे और ऐसी संगोष्ठियों का एक आधार बनाकर आने वाली चैलेंजेस को निपटने के लिए कुछ नीति भी, एक रणनीति भी अपनी बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विषय सबके सामने रखा है। विषय साम्यवाद का हिंसक इतिहास और उसका, साम्यवाद का हिंसक वर्तमान का नमूना हमने अभी इस मीटिंग के दौरान देखा है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो गई कि जब हम मीटिंग कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हमारे इसको ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे थे जिनको हम अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ लोगों ने, चाहे वो चाइना के हों चाहे वो लोकल इंडिया के कम्युनिस्ट हों, उन लोगों ने हमारी मीटिंग को हाईजैक किया, हैक किया और उसके अंदर अपनी असहिष्णुता का जो परिचय, विभिन्न परिचय जो है उन्होंने इसके अंदर रखा है। बहुत ही शर्म की बात है कि एक विचार को भी हम सुनने के लिए राजी नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। ये उनकी सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी कमजोरी है, यही मैं कह सकता हूँ। ऐसा होता क्यों है, क्यों हम दूसरे के विचार के प्रति इतना असहिष्णु क्यों होते हैं, हमारी ऐसी क्या कमजोरी है कि हम दूसरे के विचार को सुन पाने की सहनशीलता भी अपने में नहीं रखते हैं, इसके बारे में कुछ कहिएगा। प्रश्न तो यूं चूंकि हमने जो रखा था आ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न मेरे पास आए हैं जी, अगर आए हैं तो पढ़ें। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ 2-3 प्रश्न तो पहले ही आ गए थे और कुछ प्रश्न अभी भी आ रहे हैं, लेकिन आपने जो पूछा, देखिए इसेंशियली मतलब ये कम्युनिस्ट बहुत बार नई नई शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं
और जैसे इन्होंने बीच में एक शब्दावली गढ़ी इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। अब इनकी असहिष्णुता क्या है? तो ये राइट टू एग्जिस्ट, मैं केवल राइट टू लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, उसके आगे जाकर राइट टू एग्जिस्ट भी अपोजिशन को नकारते हैं। तो ये इनटॉलरेंस की परिसीमा है। जब देखिए ये इजम्स जो है ना सारे, उनके साथ समस्या यह है कि वो मेरा ही सही और मेरे विचार पर चलने वाला ही उसको जीने का अधिकार है। अब कल ही एक जेएनयू के बारे में मैं घटना पढ़ रहा था, तो हमें ध्यान में आएगा कि चाहे जेएनयू में हो चाहे केरल में हो, केरल में बहुत बड़ा हिंसा का इतिहास, एक की कन्नूर जो स्थान है वहां पे 300 से 350 तक स्वयंसेवकों की हत्याएं हुई है। अब इसमें मजेदार बात यह है, मतलब हत्या में किसी की ये नहीं हो सकती, लेकिन इसमें से ज्यादातर जो मारे गए लोग हैं वो एक्स कम्युनिस्ट है या कम्युनिस्टों के परिवार से आते हैं, इसलिए मारे गए। देखिए ये केवल किसी एक व्यक्ति को मारने का प्रश्न नहीं है। तुम एक बार कभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उससे मोहभंग हो गया और सीधा संघ की शाखा में पहुंच गए, ये कैसे संभव है? और उसको हमने स्वीकार कर लिया तो आने वाले समय में कम्युनिस्ट कैडर का क्या होगा? और ऐसे में इसलिए उसको समाप्त कर देना। तो हत्या का जो केरल में सिलसिला शुरू हुआ वो इस कारण से हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर कम्युनिज्म को छोड़ रहा है, तो जो छोड़ रहा है वो और के साथ ना जाए। तो ये असहिष्णुता मूलतः इज्म में इसलिए आती है कि कहीं पे भी आप देख लीजिए, जो फंडामेंटलिस्ट वर्जन ऑफ जो इस्लाम का एक बर्बरतापूर्ण स्वरूप आइसिस के रूप में आता है, वहां पे भी यही, जो ये कहता है ना कि मेरा ही रास्ता सही, मेरे रास्ते के सिवा सारा गलत, और उसको गलत है इसलिए उसको रहने का भी, उसके अस्तित्व का भी अधिकार नहीं है। तो जीने का अधिकार तो बहुत बाद में आता है, लेकिन विचार का, आइडियाज का, थॉट का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये विचारधाराएं हिंसा का ही रूप लेती है, और इसीलिए ये इजम्स है, ये क्लोज माइंडसेट है, और इसीलिए इस क्लोज माइंडसेट से समाज को बचाना ये किसी भी समाज में प्रबुद्ध वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। एक दो आए हैं, उसमें एक दो प्रश्न पड़े हैं। बायकॉट चाइना इज अ वायबल सॉल्यूशन, एक है इसके बारे में कि बायकॉट चाइना एक वायबल सॉल्यूशन है इस समस्या का, इसके बारे में क्या कहना? देखिए बॉयकॉट चाइना ये तो केवल किसी भी सॉल्यूशन, किसी का भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बल्कि कोई भी नकारात्मक विचार ये किसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई एक व्यवस्था फोर्स लेबर के आधार पर पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उस सप्लाई चेन पर कंट्रोल होने के कारण एक डेट कॉलोनियलिज्म का एक तरीके से विश्व में बहुत सारी व्यवस्थाओं को उनकी संसाधनों पर नियंत्रण करने का या गुलाम बनाने का प्रयास करता है, तो ऐसे में जैसे भारत में स्वतंत्रता के समय भी जब विदेशी वस्तुओं पर बॉयकॉट करने का यह आया, तो क्या लोकमान्य तिलक जी को या गांधी जी को यह पता नहीं था कि ब्रिटिशों पर सिर्फ बॉयकॉट करने से ब्रिटिश चले नहीं जाएंगे? लेकिन उसमें एक जो स्पिरिट था स्वदेशी का, अपनी वस्तुओं पर या अपनी इकोनॉमिक या जो प्रोडक्शन की सिस्टम्स है उसको जीवित रखना, उसको सेल्फ रिलायंट बनाना अपनी व्यवस्थाओं को, ये किसी भी देश के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है, ये किसी भी देश के लिए आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि बॉयकॉट चाइना ये इसका इनिशियल फेज में स्वाभाविक एक्सप्रेशन है, ये समाज से आया हुआ एक्सप्रेशन है। ऐप का बॉयकॉट ये केवल चाइनीज ऐप है इसलिए नहीं किया गया है, हमें ये ठीक से समझना चाहिए।
चाइनीज ऐप हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी है, केवल चाइना के इसलिए नहीं, ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन सर्वर के द्वारा अपने यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोसेसिंग करते हैं, उसके आधार पर हमारी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का इन सारे ऐप्स के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा प्रयास करते हैं। तो मैं मानता हूं कि बॉयकॉट चाइना ये एक नेचुरल एक्सप्रेशन के रूप में कोरोना के कारण और उसके बाद जो बॉर्डर पर टेंशन हुआ गलवान घाटी में उसके कारण आया है, लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन नहीं है। चाइना पर हमारा डिपेंडेंस कम करना, चाइना के साथ जो हमारा एक ट्रेड इम्बैलेंस है जो पहले 64 बिलियन डॉलर्स तक चला गया था, अभी 46-47 बिलियन डॉलर्स तक आया है, उसको और कम करना और उसको ठीक करना, और तीसरा अल्टीमेटली मूलभूत चीजों के लिए जो हमारी फंडामेंटल जरूरतें हैं उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं खुद खड़ी करना, ये उसके लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशंस है। लेकिन ये कुछ चुटकी में होने वाली चीजें है नहीं, ये लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म इमीडिएट कुछ मेजर्स रहेंगे जो सर्वाइवल के रहेंगे, कुछ मेजर्स जो रहेंगे वो रिवाइवल के रहेंगे, लेकिन उसके आगे जो होगा वो सही मायने में उसका कंसोलिडेशन और एक तरीके से बिल्ट अप होगा। तो मुझे लगता है कि हम एक एक फेज से जाएंगे, लेकिन उस फेज में सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी। तो उसमें एक बॉयकॉट चाइना का भी फेज है, वो केवल भारत में नहीं, वो ग्लोबल फेज है, और वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम के खिलाफ आया हुआ रिएक्शन है, और मैं मानता हूं कि वो स्वाभाविक है। उसमें हम जितना प्रयास कर सके उसमें चाइना पर से हमें निर्भरता कम करना और चाइना को हमारी जरूरतों का या इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन करने का कोई मौका न देना, ये मुझे लगता है जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उस नाते ही हमें केवल बॉयकॉट चाइना को देखना चाहिए। जी, डॉक्टर बी एस जोरी ने पूछा है कि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का कारण क्या है, क्या भारत का विरोधी उनके गठजोड़ का कारण है या इससे परे भी कुछ और बात है जिसके कारण और चीन और पाकिस्तान आपस में गठजोड़ बना रहे हैं? देखिए, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि डीपर देन द सी एंड स्वीटर देन हनी, मतलब जो कॉमन एक्सप्रेशन उनके यहाँ पे यूज होता है। तो ये एक स्वाभाविक अलायंस है। चाणक्य यदि किसी ने भी पढ़ा हो तो उसको समझ में आएगा कि इमीडिएट नेबर, देखिए पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ये डिनायल ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान बना ही क्यों? क्योंकि हम भारत नहीं है इसलिए पाकिस्तान है। जिस दिन भारत का विरोध करना पाकिस्तान का कोई भी सत्ताधारी दल हो या उनकी आर्मी हो वो छोड़ देगा, उस दिन पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। इतने उसके रूट जो है वो भारत के साथ जुड़े हैं। वो 5000 साल का इतिहास नकारता है, वो सारी स्वतंत्रता आंदोलन को नकारता है, वो हमारे सारे मूल्यों को नकारता है। भारत को नकारना ही पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस है। तो पाकिस्तान एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का और वो इनहेरेंट है। तो लेकिन चाइना के लिए जो है भारत जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है। चाइना के लिए हम सिविलाइजेशनली यदि देखें तो भारत के साथ चाइना के संबंध सिविलाइजेशनल रूट्स के आधार पर बहुत लंबे रहे हैं। बल्कि यदि मैं एपिडेमिक की ही बात करूं तो एक आचार्य जीवका नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क होकर गए। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर कोटनिस से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय डॉक्टर कोटनिस ने वहां पे चीनी सैनिकों की बहुत बड़ी सेवा दी थी और इसलिए भारतीय चिकित्सकों को चीन में बहुत बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। आप सब लोगों को ये समझना चाहिए कि योगाचार्य और चिकित्सक इनकी चीन में बहुत श्रद्धा का स्थान है और भगवान बुद्ध के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में उनको देखा जाता है। उसमें आचार्य जीवका थे। आचार्य जीवका के बारे में चाइनीज में सबसे ज्यादा लिखा गया है। पूरे विश्व ने भारत के बारे में जो समझा
वो चाहे फायंग के द्वारा हो या यंसवांग के द्वारा हो, तो उनके ट्रेवलॉग्स के द्वारा भारत को पूरे विश्व ने समझा। तो चीनी वो आए क्यों थे भारत में, इतने सारे प्रवासी चीनी चीन के लोग प्रवासी बनकर भारत में क्यों आए, और बड़े लंबे रूट से आए थे वो, अभी आज के रूट से नहीं आए, ना तवांग होकर आए, ना तिब्बत होकर आए, ना वो पूरा सेंट्रल एशिया घूमकर आए थे। तो ऐसे में ये जो समस्या है वो बड़ी रीसेंट समस्या है। सिविलाइजेशनली चीन और भारत के सांस्कृतिक संबंध थे, शिक्षा के संबंध थे, स्वास्थ्य के संबंध थे, और भगवान बुद्ध की भूमि के रूप में तो एक तरीके से बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय भारत चीन के लोगों में रहा। लेकिन जब से नालंदा और तक्षशिला जल गया, तब से चीन और भारत के सांस्कृतिक संबंधों की डोर टूट गई। वो रिवाइव हुई वो ब्रिटिशों के साथ जो चीन के युद्ध हुए, बोर वॉर जिनको कहा जाता है, 17वीं शताब्दी में, वहां से रिवाइव हुई। और उसके बाद आते आते लगभग जब हम 19वीं 20वीं शताब्दी में आते हैं, तो कम्युनिज्म के प्रिज्म से, और कम्युनिज्म ये नॉन एशियन थॉट है, बेसिकली वेस्टर्न थॉट है, उसके आधार पर चीनी सत्ताधीश जो है वो भारत की तरफ उस प्रिज्म से अपने आप को देखने लगे। तो कम्युनिज्म ये एक्सपेंशनिस्ट होता है, वो दूसरों को गुलाम बनाने का प्रयास करता है, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म लाने का प्रयास करता है। और ऐसे में चीन की सप्लाई चेन के रूट में सबसे बड़ा अड़ंगा यदि कोई है, तो एक तरफ से भारत है, दो कारणों से। एक, क्योंकि भारत का अभी भी इंडियन ओशन रीजन में जो सी रूट है वहां पे बहुत बड़ा कंट्रोल है, चीन एक लैंडलॉक कंट्री है, ताइवान के द्वारा एक्सेस मिलना ये अपने आप में चीन के लिए एक समस्या है। ईस्टर्न कॉर्नर पर शंघाई का जो उनका पोर्ट है वही उनका मेन एक्सेस पॉइंट है। दूसरी तरफ बीआरआई का उन्होंने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको आजकल चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर के नाम से बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं, तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर है इसमें भारत को, चाइना को ये अच्छी तरह से पता है कि भारत ने ज्वाइन किए बिना ये प्रोजेक्ट यशस्वी नहीं हो सकता। पाकिस्तान ये टाइम टेस्टेड अलाई है बट अनरिलायबल अलाई है, ये चाइना को अच्छी तरह से पता है, और इसलिए किसी तरीके से भारत इसमें चीन की इस प्रोजेक्ट में जो शी जिनपिंग का एक एम्बिशियस और सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है जो चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक लीडर बनाने के लिए इनएविटेबल भी है। तो इस प्रोजेक्ट के संबंध में भारत को किसी तरीके से ऑन बोर्ड लिया जाए, ये चीन की मंशा है। भारत अब वो 1962 वाला भारत रहा नहीं है, ये जो भारत है ये हमने डोकलाम में भी देखा, अब गलवान में भी देखा, चीन को आमने सामने खड़े रहकर उसको करारा जवाब देने की हिम्मत रखने वाला भारत है, चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो सीमा पर। हमने चीन को बिल्कुल हर मुंह पर, चेस में जैसे करते हैं, हर मुंह पर हमने उनको चेकमेट किया है, चाहे वो भूटान के फ्रंट पर हो, वो और तरीके से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उतने ही हमारे संबंध वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो उनके साथ, मंगोलिया हो, हमारे भी संबंध एक तरीके से जिसको रिवर्स एनसर्कलमेंट कहा जाता है हमने भी इम्प्रूव किए हैं। तो ये स्थितियां जो बदली है उसको चीन स्वीकार करने को तैयार नहीं, और इसलिए वो मसल फ्लेक्सिंग। सी कम्युनिस्ट रेजिम में दो ही चीज तरीके से होता है कि सामने वाले को खत्म करो या पैसे से खरीद लो, ये दो ही तरीके होते हैं। ये दोनों तरीके भारत पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान अलाई है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जितने चीनी कंपनियों पर और चीनी एम्प्लॉयज पर आक्रमण हुए हैं,
इसका एक तरफ हमें ध्यान रखना जरूरी है कि चीन के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर भी कितना असंतोष बढ़ रहा है। थोड़े दिन में वो नेपाल में कुछ शुरुआत हुई है, वो आगे जाकर और बढ़ेगा। तिब्बत का इशू भी आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ये अलायंस कोई वायबल अलायंस नहीं है, क्योंकि इसका एंटी इंडिया, ये नकारात्मक अलायंस है। कोई उसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव एक दूसरे के लिए 46 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट वगैरह का ये सब हवाबाजी, अभी तक 2 बिलियन डॉलर्स भी चीन पूरी तरह से, और वो भी अपनी मशीनरी ले जाकर अपनी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के द्वारा लगाता है। तो वो पाकिस्तान को, चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट में एक्सेस, सी का एक्सेस, ये मेन है। जिस दिन उनको और किसी से ये मिल जाएगा तो शायद पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत को भी अपनी रणनीति उसी आधार पर बनानी पड़ेगी। और वैसे भी मतलब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और कम्युनिज्म एक दूसरे के पुराने अलाइज रहे, एक दूसरे को कवर देते रहे, तो एक आइडियोलॉजिकल अलायंस भी है वो। एक अंतिम प्रश्न पूछ करके अपने चर्चा को समाप्त की ओर लेके जाएंगे। डॉक्टर आशीष सबरवाल ने पूछा है, हाउ टू स्पॉट ए कम्युनिस्ट माइंडसेट इन आवर सोसाइटी। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, जब ये मान लीजिए कि जो मुझे भी प्रश्न आए हैं उसमें इंग्लिश स्पीकिंग मिलेनियल्स अर्बन यूथ, एक अमृत प्रीतम बोरा गुवाहाटी से है, उन्होंने प्रश्न किया है। फिर विनायक सेन जैसे डॉक्टर्स को लेकर भी एक प्रश्न आया है, और आपने अभी ये कहा आशीष सबरवाल जी का, हाउ टू स्पॉट कम्युनिस्ट माइंडसेट। मुझे लगता है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा संस्थानों को हाईजैक करना, ये 1960 के बाद कम्युनिस्टों ने, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया अपनी पूरी विचारधारा को, तो इनको बहुत सटल वे में, ये पहली बात तो रूट से अपने लोगों को अलग करते हैं। चाहे आपकी जो भी रूट्स हो, आपकी उपासना पद्धति हो, आपके श्रद्धा के स्थान हो, आपके माता पिता के प्रति आपका रेवरेंस हो, आपके परिवार की ड्यूटीज हो, उसके प्रति आपको यदि कोई क्वेश्चन मार्क अपने मन में, आपकी बुद्धि में भेद करना शुरू कर दे, तो मान लीजिए कि यह कम्युनिज्म का पहला लक्षण है। मतलब माँ ने डांट दिया, या पिताजी ने डांट दिया, या स्कूल टीचर ने डांट दिया, और किसी ने आपको बाहर निकल कर ये पूछ, अच्छा ऐसे कर दिया, इसको किसने अधिकार दिया, ये कौन होता है आपको डांटने वाला, ये आपका शोषण कर रहा है, आप बच्चे हो इसलिए आप पर, आपको पुलिस को फोन करना चाहिए, आपको कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, ये यदि आपको वो समझा रहा है, ये बिना जाने पहचाने के क्या हुआ था, किस कारण से डाटा गया, इसका विश्लेषण किए बिना वो भड़काने का काम कर रहा है, तो मान लीजिए कि वो कम्युनिज्म के बीज आपके मन में रोपने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, यदि समाज में आपके परंपराओं के प्रति, मान लो किसी ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, भाई मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गए, इन्होंने तो सीता जी का त्याग कर दिया था। अब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तुलसी रामायण में है क्या, और कौन से रामायण में है, मूल वाल्मीकि रामायण में है क्या, इस चर्चा में वो आपको जाने देगा नहीं, जाने की आप कोशिश करोगे तो और फंसाएगा। लेकिन इस चर्चा में प्रश्न पूछते हुए, मतलब ये कभी भी कम्युनिस्ट उत्तर नहीं देंगे कि भाई आप अपनी पार्टी के दफ्तर में तिरंगा कब फहराते हो, चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी ज्योति बसु ने कभी नहीं फहरने दिया, पार्टी का ही झंडा रहता है सिर्फ। लेकिन वो आपको सवाल करेंगे भी आप आपकी शाखा में भगवा ध्वज क्यों लगाते हो। तो ये जो सवाल और सवालों के आधार पर बुद्धिभेद करने की आपको मानसिकता दिख गई, तो मान लीजिए, और हर छोटी घटना पर यदि वो आपको हिंसा के रास्ते का उपाय, हालांकि वो बाद में धीरे धीरे बिल्कुल वो आपका जब बुद्धिभेद हो गया ये ध्यान में आ जाता है तो ही आपको हथियार और हिंसा का रास्ते की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बुद्धिभेद करने के प्रयास करते हैं, वो घर से शुरू होता है, स्कूल के क्लासरूम से शुरू होता है, प्रोफेशनल फील्ड में एज अ लॉयर एज अ डॉक्टर शुरू होता है, और आप विशिष्ट सोच में जाएंगे तो ही आपको, तो ये जो तोड़ कर पिंजड़ा तोड़, अभी जो सारा दिल्ली राइट्स में भी एक ग्रुप का नाम आया,
ये कहाँ से शुरू हुआ था? एक हॉस्टल की लड़कियों ने शुरू किया वो ग्रुप था, अब सिंगापुर में उस पर पीएचडी हो चुकी है। तो भाई हम हॉस्टल के नियम नहीं नियम नहीं मानना कोई भी, मतलब हम तो सात स्वरों के बंधनों में भी मुक्त होकर गाना सीखते हैं, ये भारत की परंपरा है। लेकिन बंधन ही नहीं होना और केवल मुक्त ही मुक्त होना, ये सोच यदि कोई पनपाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि वो कम्युनिज्म का, और कम्युनिज्म ये डिस्ट्रक्शन का रास्ता जरूर देता है, उससे रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा इसके बारे में कभी नहीं बताता, वो इक्वालिटी कब आएगी ये कभी नहीं बताता, वो स्टेट की जो प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप है वो कैसे खत्म होगी वो कभी नहीं बताता, केवल हिंसा के माध्यम से आज जो है उसको नष्ट कर दो, ये विचारधारा है। इसके बारे में सारे समाज को सचेत करना और उसके आधार पर एक तरीके से हमारे स्वत्व के आधार पर समाज की मानसिकता खड़ी करना, युवाओं को लिए भी इसके बारे में, युवाओं को भी एक तरह से उसके मन को केवल संस्कारों के आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार पर भी उसकी तृष्णा को पूरा न्याय करना, ये हमारा दायित्व बन जाता है। मुझे लगता है कि ऐसी संगोष्ठियां उसमें एक अच्छी एक तरीके से वाहक के रूप में निश्चित रूप से उस सफलता की ओर हमें ले जाएगी। ऐसी प्रार्थना भारत माता के चरणों में है। आप सबने इतनी देर तक मुझे सहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल जी एक अंतिम प्रश्न और है, जरा एक और प्रश्न है, जरा आप मेरा निवेदन है स्वीकार करें प्रश्न। जी, ये जो प्रश्न है ये दिल्ली के संबंध में, भारत के संबंध में काफी प्रासंगिक है। JNU भारत का एक प्रेस्टीजियस विश्वविद्यालय जो कहते हैं, उसी के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के भारत के प्रति इतना घृणा का माहौल क्यों है? JNU के अंदर क्यों है इतना घृणा का माहौल? जो भारत के नागरिक हैं, भारत के बच्चे हैं, भारत के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर उनकी कैसे वो ये बात कह पाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? इतना घृणा का माहौल का कारण क्या है JNU के अंदर, और उसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, उसी JNU का मैं भी प्रोडक्ट हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग दिल्ली में रहने वाले हो तो दिल्ली में वसंत कुंज के आसपास जहाँ पे JNU है, उस JNU के अंदर ही कम्युनिज्म रहता है। मुनीर का आने तक या वसंत कुंज के प्रिया कॉम्प्लेक्स तक जाने तक वो खत्म हो जाता है। जिसको जॉब मिल जाती है, जिसको वो कम्युनिस्टों के घेरे में वो रह जाता है, उसका ही कम्युनिज्म का विचारधारा टिकी रहती है, बाकी सारी खत्म हो जाती है। वो ऐसा एक सिस्टम वहाँ पे बनाया गया है, और 1969 के बाद जिस तरह से उस JNU की, दरअसल इसके बहुत बड़ी हिस्ट्री है JNU की अपने आप में, किस तरह से JNU बना, लेकिन जिस कारण के लिए बना वो बेसिकली कम्युनिस्टों को एक अड्डे में एक जगह पर रखने के लिए कांग्रेस की और श्रीमती इंदिरा गांधी की एक रणनीति थी कि आइडेंटिफाइड फेसेस है, आइडेंटिफाइड नेम्स है, और कम्युनिस्टों के लिए भी ये था कि एक मॉडल के रूप में हम खड़ा करेंगे। तो वो प्रेस्टीजियस इसलिए बन जाता है क्योंकि दिल्ली में है, वो इसलिए बन जाता है कि वहां पर ज्यादातर लोग ही सारी शिक्षा का नीति निर्धारण करने में बहुत वर्षों तक रहे हैं, इसलिए रह जाता है। एक एक्सपोजर आपको दिल्ली में रहने के कारण नेचुरली मिल जाता है, और वहीं के लोग इंटरव्यू पैनल्स पर और बाकी जगह पे तो आपके नौकरी पाने का भी आसान सा रास्ता एकेडमिक फील्ड में JNU से ही निकलता है। वहां से नहीं निकला तो NGO में, NGO नहीं निकला तो किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में, किसी फाउंडेशन में या किसी मीडिया हाउस में। तो आप ऐसे ही प्रेस्टीजियस बन जाते हो। डून स्कूल में जाने के बाद आप कितने होशियार हो ये नहीं देखा जाता। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े परिवारों के गए हुए लोगों के कितने IQ है हमने देखा हुआ है, लेकिन आप डून स्कूल में हो तो नाम सब जानते हैं। तो ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि JNU भी परिवर्तन की राह पर है। किसी भी विश्वविद्यालय कोई भी इंडॉक्ट्रिनेशन का सेंटर बना तो वो एक्सेलेंस का सेंटर नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि हमें इस लाइन पर JNU को सोचना चाहिए। देखिए, आज मैं ऑर्गेनाइजर का संपादक हूँ, मैं JNU से हूँ। बहुत राष्ट्रीय विचारों के लोग अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, वो JNU से है, लेकिन उस समय JNU में सर्वाइव करने के लिए 1990 के दशक में, 80 के दशक में केवल एग्जिस्ट करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा ये हमको पता है। वो एक लड़ाई का दौर था। आज उस दौर से बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं,
मुझे लगता है कि कुछ प्राध्यापकों के कारण और देखिए कम्युनिस्टों के स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स ने भी जब उनकी दमनशाही के खिलाफ जेएनयू में सवाल किए हैं तो उनकी भी पीएचडी उन टीचर्स ने पूरी नहीं होने दी है। ये इनटॉलरेंस की मानसिकता इतनी भयंकर है और स्टूडेंट कम्युनिटी को अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए चाहे स्ट्राइक में हो चाहे पे हाइक हो चाहे फैसिलिटीज हो उसके लिए यूज करना या रादर मिसयूज करना अब्यूज करना ये माइंडसेट है। अब हम जाएंगे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाएंगे किसी को पूछेंगे नहीं कोई नियमों का पालन नहीं करेंगे हम सबसे अलग है। ये एक बार आपने मानसिकता बना ली तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में जो ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल तो गरीबों के नाम पर एक अमेरिका और सारे एलिट क्लास के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का एक अड्डा बन गया था भारत के सामने। सौभाग्य से 2016 के बाद हम लोग तो पहले से ही बहुत जानते थे इससे बहुत खराब चीजें भारत के बारे में भारत की परंपराओं के बारे में हमने जेएनयू में सुनी है लेकिन ये अभी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राष्ट्रीयता के मुद्दे पर ओपनली डिबेट करना पड़ रहा है उनको भी परिसंवाद आयोजित करने पड़ रहे हैं कि सही राष्ट्रवाद क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म क्या है लेकिन जिस पिच पर वो आकर बात भी नहीं करते थे इस पर आज बात करनी पड़ रही है। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा वैचारिक तरीके से पराजय उस विचारधारा का है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में एक डाइवर्सिटी का होना हम जो एक यूनिक कल्चर है हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं हम एकम सत विप्रा बहुधा वदंती को मानने वाले हैं उस बहुधा को सेलिब्रेट करने की शिक्षा यदि हम नहीं दे सकते तो वो सही में शिक्षा ही नहीं है वो केवल पॉलिटिकल इंडॉक्ट्रिनेशन है। इस आधार पर जेएनयू को टारगेट किए बिना जेएनयू जिस विचारधारा के कारण इस राह पर चल पड़ी उस विचारधारा को समझना और इसीलिए शायद ये हिंसक जो साम्यवाद का हिंसक इतिहास है उसको भी इस रूप में सामने आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भोल जी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार रखे हैं। अब मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि कल्याण मंच के साथ में अपने बैठक को विराम दें। डॉक्टर दीपक शुक्ला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ शान्तिः 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 नमस्कार।